जी, तो बच्चों हम लोगों ने रैशनैलिटी भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बाउंड्री रैशनैलिटी भी डिस्कस कर लिया। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है ना, ये बड़ी जो है ना वो अजीब सी है, वो इन दोनों से अलग है, वो होती है इंट्यूशन। ठीक है, ये लफ्ज़ बच्चों शायद आप लोगों ने पहले भी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया होगा, कभी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, समझा होगा। तो इंट्यूशन किसे कहते हैं? इंट्यूशन नॉर्मली हम लोग कहते हैं, इंट्यूशन मीन्स अ गट फीलिंग ऑफ अ पर्सन विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाई एनी रिसर्च। इंट्यूशन एक इंसान की वो फीलिंग होती है जो किसी रिसर्च से साबित नहीं होती, ठीक है, इसको हम लोग इंट्यूशन कहते हैं। यानी कि इंसान कह सकते हैं कि इंसान की सिक्स सेंस, ये इंसान का लाशऊर, ठीक है, वो चीज़ जो लॉजिक्स नहीं बता रही। ऊपर तो हमने पढ़ा ना रैशनैलिटी के जनाबे वाला, 100% लॉजिकल डिसीजंस होने चाहिए। जब 100% लॉजिकल डिसीजंस होंगे तो वो कहलाएगा हमारा रैशनैलिटी। जब 100% लॉजिकल नहीं होंगे बल्कि कुछ लॉजिक्स को ऐड किया जाएगा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, कुछ हमसे इग्नोर हो जाएंगी, तो वो हमारी बाउंडेड रैशनैलिटी आएगी। लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन मेकिंग होती है इंट्यूशन कि जिसके अंदर हम लोग लॉजिक्स जो है उसको तो इन्वॉल्व करते नहीं है, लॉजिक तो किसी तरीके से इसके अंदर आती नहीं है, ठीक है। ये वो फीलिंग होती है इंसान की जो सिक्स सेंस इंसान की कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मूवी थी जो मैं देख रहा था जिसमें ये होता है कि एक हीरोइन जो है वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद के घर आती है, और चूँकि वो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी थी, उसमें बहुत ज़्यादा चुड़ैलें वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो शायद उसकी जो नानी थी वो एक चुड़ैल थी, और उसकी नानी ने जनाब उसको लड़की को, जब वो हीरोइन आई घर में, गाड़ी उसने पार्क की, तो हीरोइन ने बता हीरोइन को नानी कहती है कि तुम बाहर क्या कर रही थी, बारिश होने वाली है। तो वो हीरोइन जो है वो जब देखती है छत पे आसमान की तरफ, तो आसमान में बहुत तेज धूप है, ठीक है, और बादलों का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। अब सुनो, बादल चूंकि दूर दूर तक नहीं आते, तेज तरार धूप है, तो ये क्या रिसर्च हमें इस हवाले से, जब हमारी तहकीक, हमारी सोच, हमारा दिमाग हमें क्या कहता है कि जनाबे वाला ये बारिश होने वाला टाइम नहीं है, लेकिन उसकी नानी उसको कहती है कि तुम बाहर क्या कर रही थी, तुम अंदर चले जाओ फटाफट, चूँकि बारिश होने वाली है। तो वो भी कहती है कि नानी का दिमाग ख़राब हो गया है, नानी जो है वो पागल हो गई है, नानी बारिश तो हो ही नहीं सकती क्योंकि धूप आई हुई है। लेकिन बच्चों वो जैसे ही ग्रॉसरी का सामान उठा के किचन में जाती है तो एकदम बिजली चमकती है और बारिश होने लग पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नानी ने डिसीजन लिया था वो डिसीजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक्स, वॉज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक, वॉज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिसर्च, इट वॉज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। समझ आ गई? द अबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट द नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग, रीजनिंग के बगैर किसी किस्म की दलील नहीं मिल सकती आपको कि जनाब आपने क्यों कह दिया और कैसे कह दिया कि बारिश होने वाली है। दलील तो कहती है बारिश नहीं होगी क्योंकि धूप है, बारिश नहीं होगी क्योंकि बादल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बारिश फिर भी हो जाती है। इसका मतलब है ये वो डिसीजन होता है बेटा जो इंट्यूशन का डिसीजन होता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा इंट्यूशन। अब आगे जो होता है इंट्यूशन, इसके बारे में हम लोग मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट। तो आगे जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है कि इंट्यूशन आखिर हम लोगों के अंदर कैसे डेवलप होती है, ठीक है जी। इंट्यूशन डेवलप होती कैसे है? वैसे ही तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक बंदे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर आती हैं। इंट्यूशन हमारे अंदर कैसे पैदा होती है? एक्सपीरियंस की बेस पे, हमारी फीलिंग्स की बेस पे, हमारा दिमाग क्या सोच रहा होता है, हमारे ऊपर क्या गुजर रही होती है, हमने जिंदगी में क्या चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, उससे रिलेटेड हमारी फीलिंग्स बनती हैं, किस चीज़ के बारे में क्या फील कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अकोमोलेटेड जजमेंट, अकोमोलेटेड जजमेंट से मुराद ये कि हम मुख्तलिफ किस्म के मामलों को जज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई परसेप्शन कायम कर रहे होते हैं, तो उस परसेप्शन की बेस पे हमारे अंदर इंट्यूटिव एबिलिटी आएगी, ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखना है जी, रिसर्चर्स स्टडिंग मैनेजर्स यूज ऑफ इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग हैव आइडेंटिफाइड 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंट्यूशन। बच्चों इंट्यूशन के ये 5 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो है ये 5 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इंट्यूशन के, कि आखिर हमारे अंदर इंट्यूशन डेवलप कैसे होती है। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस्ड बेस्ड डिसीजन,
मैनेजर जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं। यानी कि पास्ट में हमने देखा था कि जनाबे वाला 2 साल 3 साल 4 साल पहले हमने डिसीजन लिया था, ये वो वाला हमारा डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, और अब अगर हम लोग 2-3 साल के बाद उसी से रिलेटेड कोई फैसला करने लगे होंगे तो हम ये सोचेंगे क्योंकि हमने पास्ट में वो डिसीजन लिया था वो कामयाब था तो अभी भी हम वही डिसीजन लेंगे। ठीक है, हमने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने सामने नहीं रखी, हमने कोई रैशनल डिसीजन नहीं लिया, कोई हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, हमने कहा था चूंकि हमारा 2 साल पहले वाला डिसीजन कामयाब हुआ तो अब भी हम वही डिसीजन लेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्योंकि 2 साल पहले हमने एक डिसीजन लिया था वो हमारा कामयाब नहीं हो सका तो इसलिए हम लोग ये डिसीजन नहीं ले रहे। तो ये जो डिसीजन होता है ये क्या होता है, ये लॉजिक बेस्ड नहीं होता, ये इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन होते हैं। ठीक हो गई थी, उसके बाद आके क्या आएगा, अफेक्ट इनिशिएटेड। अच्छा बच्चों, अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, ये मैं थोड़ी सी अगर आपको डिटेल बताऊँ ना, बल्कि इतना टाइम नहीं होगा लेकिन शायद आपको समझ भी ना आ सके अभी इस तरह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई बंदा बिहेवियर जो भी इंसान का होता है ना, ठीक है, बिहेवियर ये इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक इंसान का एटीट्यूड डेवलप होता है, बल्कि इंसान की कॉग्निशन आती है, कॉग्निशन आप कह सकते हैं एटीट्यूड डेवलप होता है, उसके बाद उसका एक इफेक्ट होता है। ठीक है, कॉग्निशन एक इंसान के अंदर सोच आती है, उस सोच के नतीजे में एक इंसान का एक फीलिंग बनती है और वो फीलिंग इंसान को जो है वो मजबूर करती है, वो स्टिमुलस बनती है कि एक इंसान बिहेव करे। बिहेवियर कहते हैं बच्चों एक्शन को, हम एक्शन बाद में लेते हैं, पहले सोचते हैं फिर कोई ना कोई फीलिंग्स बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, यहीं पे देखते हैं। अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन किसे कहेंगे, मैनेजर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फीलिंग और इमोशंस। इंसान जो है वो अपने इमोशंस की बेस पे फैसला करता है, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे नहीं, इमोशंस की बेस पे। हमारे पास कितने लोग होते हैं जो मांगने के लिए आते हैं और हम लोगों हम उनको देखते हैं कि बेचारे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग है और हमें लगता है कि बहुत ही बेचारे जो है वो परेशान हाल होंगे तो हम उनकी मदद कर देते हैं। ये जो हम उनकी मदद करते हैं ये हम लोग लॉजिक्स के बेस पे रैशनलिटी के बेस पे नहीं कर रहे। अगर हम लॉजिकल या रैशनल डिसीजन लें तो उस वक्त क्या होगा, हम उनके घर जाएं, ठीक है, उनके घर के हालात देखें और हमें मालूम हो कि वाकई में हाँ ये नीडी हैं, तो फिर हम उनकी जो है वो नीड को सेटिस्फाइज नीड जो है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी ले। हम बगैर सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेस पर डिसीजन ले लेते हैं, इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन होगा और ये क्या कहलाएगा बच्चों आपका, ये इंट्यूटिव डिसीजन होगा। फिर आ जाते हैं कॉग्निटिव बेस्ड। कॉग्निशन मैंने आपको पीछे बताई थी कि 4 स्किल्स होनी चाहिए एक बंदे के अंदर, वो कॉग्निटिव स्किल्स बनती है। तो कॉग्निटिव स्किल की बेस पर भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो ये जो कॉग्निटिव स्किल है ये भी टाइम के साथ डेवलप होती है, इंसान जो है वो पैदा होते ही इस तरह की स्किल्स अपने अंदर नहीं लेके आ जाता बल्कि टाइम गुजरने के साथ साथ उसके अंदर डेवलप होती हैं। तो ये इंट्यूटिव डिसीजंस होंगे। फिर नंबर 4 क्या होगा, सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। ठीक है, मेरा 6ठी इस कह रही है कि मैं ये फैसला कर लूँ, मुझे लगता है कि ये वाला फैसला कामयाब होगा, मुझे लगता है, जब हम ये बात करते हैं मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे तो वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस के अंदर जो हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अंदर भी नहीं है, फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे बेटा वो रैशनल डिसीजन है, वो बाउंडेड रैशनल है। जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक साइड पे रख के आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन यूज़ कर रहे हो वो आपका इंट्यूटिव डिसीजन। और आखिर में क्या है, वैल्यूज एंड एथिक्स। ठीक है जी, वैल्यूज एंड एथिक्स। आप बस में बैठे हुए हो और बस में बैठे हुए एक कुर्सी के ऊपर और देखें जनाबे वाला कोई ना कोई कोई बुजुर्ग लोग हमारे सामने आ जाते हैं, कोई यहाँ कोई खातून आ जाती है, कोई लेडी आ जाती है। तो जब हम देखते हैं कोई लेडी आ गई है तो हम अपनी सीट छोड़ देते हैं, हालांकि लॉजिक तो कहती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग तो कहता है कि जनाब हम चूंकि बस में पहले शामिल दाखिल हुए थे तो हमें बैठना चाहिए, लेकिन हम उनके लिए सीट दे देते हैं। हम क्यू में खड़े होते हैं, हमारे पीछे कोई खातून आके खड़ी हो जाती है तो हम अपनी जगह पर उनको कहते हैं चले यार पहले खातून को दे दें बाद में मैं ले लूँगा सामान। ठीक है, क्यू में खड़े होते हैं, कोई बुजुर्ग आ जाते हैं तो उनको हम आगे कर देते हैं। ठीक है, ये छोटी सी मैं एक दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो ये जो छोटी मोटी एक दो एग्जाम्पल्स होती हैं तो ये क्या है, ये हमें क्या बता रही है कि हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं किस बेस पे, हम लोग अपने वैल्यूज़ और एथिक्स के बेस पे डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, मैनेजर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज और कल्चर। ठीक है, हालांकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे नहीं, फैक्ट्स कहते हैं कि चूंकि मैं पहले आया था तो वो खातून से पहले मैं ही सामान लूंगा, मैं चूंकि पहले इस बस में सवार होकर बैठा हूं तो खातून खड़ी रहे मैं बैठूंगा। ठीक है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को साइड पर रख के इमोशंस के बेस पे आपने डिसीजन लिया। तो ये बच्चों इंट्यूशन होती है, जब मैनेजर जो होता है अगर उसके अंदर ये चीज़ें जो 5 चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो ये जो 5 की 5 चीज़ें डेवलप हुई हैं ये क्या चीज़ कहलाएंगी बच्चों, ये कहलाएंगी आपकी
इंटुइटिव डिसीजन मेकिंग, ठीक हो गया जी। इंटुइटिव डिसीजन मेकिंग जो है ये हमारा तीसरा डिसीजन मेकिंग थी। तो फिर बता देता हूँ हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी इन तीन वीडियोस के अंदर। पहले हम लोगों ने रैशनैलिटी को डिस्कस किया, रैशनैलिटी क्या चीज़ होती है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है, और फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि रैशनैलिटी और बाउंडेड रैशनैलिटी से हट के बिल्कुल ऑल टुगेदर एक अलग सी चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन, और उस इंट्यूशन को भी इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक हो गया। अब आगे जो जाके हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के डिसीजन मेकिंग होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।